प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंता उन्हें बताते हैं कि ध्यान पूर्वक जप ना करना ही सारे अपराधों की जननी है। और वो इसको बताते हैं विशेष प्रकार का प्रमाद है, पागलपन है, क्योंकि जप करते समय हम श्री राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं और फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, अपने मित्र को बुलाते हैं और वो आए और अपना मुख हम उधर कर लें, उधर देखें, उसकी तरफ देखें ही ना, तो वो कितना ऑफेंडेड महसूस करेगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं ध्यान पूर्वक जप ना करने से एक विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है और इस भ्रम के कारण साधक की भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। धन, स्त्री से आकर्षण और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सारे उत्पन्न हृदय में होते हैं और फिर साधक अपराध करता है। और इस अपराधों के वृक्षों की जो जड़ है, जो कि ध्यानपूर्वक जप ना करना, इस जड़ को काटा जा सकता है ध्यानपूर्वक जप करके। और जैसे हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, हमारे जीवन की इतनी आध्यात्मिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो एक प्रकार से एक आदत पड़ जाती है ध्यानपूर्वक जप ना करने की, और हर भक्त अपने उस एक विशेष ढांचे में जाके सेट हो जाता है कि ठीक है मेरा जप ऐसा है और वो ऐसा ही चलता रहेगा, और सालों साल तक वो उसी आदत में चलता रहता है। और इन आदतों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम प्रयास करें, हरिनाम की महिमा को जानें और भक्तों से प्रार्थना करें और सिंसियर प्रयास करेंगे तो हमें इन आदतों को बदलना है और ध्यानपूर्वक जप करने की अच्छी आदत को विकसित करना है। हरे कृष्ण महामंत्र की